हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ उसमें जो थ्रेड यूज़ कर रही हूँ वो ये वाला थ्रेड है, एक ये वाला है। आप ये थोड़ा सा ये थिक वाला थ्रेड है और ये क्रोशिया का थ्रेड है, इससे निटिंग भी होती है, क्रोशिया भी बनता है और इससे एम्ब्रॉयडरी भी हम कर सकते हैं। और ये वाला भी थ्रेड है, इससे भी हम क्रोशिया और ये एम्ब्रॉयडरी सब कुछ इसके साथ भी कर सकते हैं। इस तरह के हमें DMC के मिलते हैं, सेम इसी शक्ल में होते हैं और आप वो वाला यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ढूंढते रहें या कोई भी, इवन आप 6 स्ट्रैंड्स वाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम, और ये वाली नीडल यूज़ कर रही हूँ मैं, हमेशा नीडल वो यूज़ करती हूँ जिसके ये वाली आई जो है ये थोड़ी सी बिग साइज़ की हो, ये वाला सुराख जो होता है उसका। और इसमें बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप धागा डालना नहीं बताती हैं, तो ये देखें आपने ऐसे एक साइड से आपने इसमें थ्रेड लिया और यूं इसमें डाल लिया और इसकी, और यूं इसको आपने इस तरह से नॉट लगा ली यूं ऐसे सिंपल। अब इसके लिए हम पहले स्ट्रेट स्टिच लंबे वाले लगाएंगे और पूरी को हम ऐसे फिल कर लेंगे जैसे ये मैंने फिल की है। आप किसी भी पैटर्न के ऊपर ये बना सकते हैं। आप ये मैंने गोल वाली पेटल्स बनाई हैं, आप दूसरी पेटल्स भी किसी भी तरह का जो हो आप डिज़ाइन ले सकते हैं और ये बना सकते हैं। अब मैंने इस साइड से ही ये निकाला है क्योंकि अगर मैं पूरा इस इधर बैक लेके जाती हूँ तो इसमें थ्रेड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से एक और इसी तरह से करेंगे ताकि हम स्क्वायर बना सकें, या सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे। और जितने बड़े आपने स्क्वायर बनाने हों उतना आप डिस्टेंस रख के यू स्क्वायर यू लाइनें लगाएंगे, पहले स्ट्रेट इस तरह से। ये आप डिफरेंट शेड की भी लगा सकते हैं।
अब हम इस तरह से लगाएंगे लाइनें। यू इस तरह से आपने स्क्वायर बना लेने। अब हमने क्या करना है, अब इनको सेंटर से हमने ये देखें ऐसे सेंटर से हमने इन्हें यूं जोड़ देना है, टैग कर देना है इस तरह से। और दूसरा तरीका ये है, एक तो हमने इसे कपड़े में यूं जोड़ा है, दूसरा तरीका ये कि हम इस तरह से धागों के नीचे से चलें ऐसे, हम यहां से निकालें हम फिर यूं और फिर इसी तरह से हम चलते जाएं आगे। फिर हाँ कपड़े में नहीं नीडल निकालने बाहर, हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसी तरह से कर। अब हम ये डिफरेंट कलर के साथ, जैसे मैं येलो कलर का धागा यूज कर रही हूँ इसके लिए, ये इसमें से हम ये इस तरह से पास करेंगे इसे हम छोड़ देंगे, इस वाले को हम इसमें से नहीं गुजारेंगे, दोबारा हम इसमें से फिर पास करेंगे। फिर हम इसे दोबारा छोड़ देंगे और इसमें से फिर पास करेंगे। अब हम ये वाले जो हैं, जो ये वाला स्क्वायर बना है, इसमें हम स्पाइडर वेब की तरह से बनाएंगे।
हमने इसके ये टू राउंड्स मैंने लगाए हैं सिर्फ इसके ग्रीन कलर के। अगर आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा स्क्वायर है, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। इसी तरह से आपने इन सबको ये इसी तरह से कर, सिर्फ ये वाले जो येलो और इसका जो स्क्वायर है इन्हें आपने इस तरह से बनाना है। अब हम यहाँ पे ये वाला लीफ बनाते हैं। अब हम एक इसे उठाएंगे, इसको नीचे, फिर यूं, फिर जो उठाया हुआ होगा उसे हम नीचे कर देंगे, प्रेस करेंगे, इसको हम ऊपर करेंगे, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, इस तरह से उसके ऑपोजिट फिर हम करते जाएंगे ऐसे ही।
इसी तरह से आपने ये सारा इसे फिल करना है। और अब ये वाला सेंटर जो है ये मैंने फ्रेंच नॉट के साथ फिल किया है। इसमें मैंने डबल ये लिया है धागा ये वाला, और इसको टू टाइम मैं रैप करूंगी ऐसे। इस तरह से फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर रहे हैं। आप बुलियन नॉट के साथ भी कर सकते हैं और बीड्स भी इसमें लगा सकते हैं। और ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला जो स्टिच है, आप इसे साड़ी ब्लाउजेज़ के ऊपर, साड़ी के पल्लू के ऊपर, और बच्चों के फ्रॉक्स के ऊपर, अपने ड्रेसेस के ऊपर, स्कर्ट्स के ऊपर, पिलो कुशन्स के ऊपर, कहीं भी आप ये वाला डिज़ाइन और ये वाला स्टाइल जो है ये आप बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।